हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से YouTube पर काम करते करते बहुत ज़्यादा इरिटेट या डीमोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि डीमोटिवेट तब होता है बंदा जब बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारी वीडियोस बना लेते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो देखिए, आपको ज़रूरत है अपना कंटेंट चेंज करने की। अगर आप एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे, एक ही कंटेंट को लेकर चलते रहेंगे, आपने 100-200 वीडियो अपलोड कर ली लेकिन उसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पर कंटेंट चेंज कर देना चाहिए। देखिए, मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा शानदार कंटेंट लेकर आया हूं जिस पर आप काम करेंगे, मात्र 2 से 4 वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपको भाई उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी बिल्कुल अलग आपको मिलने वाला है। वो क्यों? क्योंकि जो ये कंटेंट है उस पर भाई व्यूज इतना भर भर के आता है कि अगर आप उस पर काम करते हैं तो आप अपने चैनल को इजीली मोनेटाइज कराकर वहां से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही, आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरह का कंटेंट है, जो क्रिएटर इस कंटेंट पर काम कर रहे हैं उनके कितने व्यूज आ रहे हैं, कितनी में अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद बताऊंगा भाई आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे। बहुत इजी है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, आप भी करना अगर चाहते हैं तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक फुल वॉच करनी है, तभी आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा। वैसे कंटेंट तो बहुत ही ईजी है, इसको तो आप बहुत आसानी से भाई क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही हल्का सा एफर्ट लगाकर, इसमें हल्की सी एडिटिंग देकर अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। सीधी सी बात बताऊं, ये कंटेंट है बच्चों का और आप जानते हैं कि बच्चों में जो किड्स कंटेंट होते हैं उन पर व्यूज कितना आता है भाई, अल्टीमेट बहुत ही शानदार व्यूज आता है बच्चों के कंटेंट पर, इसमें कोई शक नहीं है। तो बच्चों के कंटेंट पर जब व्यूज इतना आता है तो भाई सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे सोचते नहीं है सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। उनको अगर एक बार बोल दिया जाए, अगर उनको वीडियो अच्छी लगी ना, इंटरेस्ट उनको वीडियो में आ गया, तो भाई वे सब्सक्राइब तो करेंगे करेंगे, आपकी वीडियो को 2 से 3 बार भी देखेंगे। तो देखिए कितना व्यूज आता है। चलिए अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, मैं यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो इस कंटेंट पर काम कर रहे हैं उनके चैनल के व्यूज कितने, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सारा प्रोसेस मैं आपको देखें यहाँ पर सबसे पहले दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको देखिए यहाँ पर स्क्रीन देखिए यहाँ पर लगा दिए मैंने, यूट्यूब पर लेकर चलता हूँ, यूट्यूब ओपन करता हूँ और आपको देखिए यहाँ पर दिखाऊंगा। चैनल सर्च करके मैंने यहाँ पर चैनल सर्च किया है राहुल टॉयज, ठीक है, मैंने सिर्फ यही चैनल सर्च किया। तो इसको लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी वीडियोस जो है टॉयज को लेकर के यहाँ पर आ जाती हैं, काफ़ी सारी है, ठीक है ना, अलग अलग चैनल को लेकर आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चैनल दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, राहुल कैरेक्टर, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर ऐड आ रहे हैं, एड स्किप कर लेते हैं, इनकी वीडियो भी पोज करता हूं मैं। देखिए सबसे पहले दिखाता हूं इनका चैनल, चैनल यहां ओपन हो चुका, 8.2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इनके और 76 वीडियो उन्होंने यहां पर केवल अपलोड किए। और देखिए वीडियो सेक्शन पर अगर मैं आऊं तो देखिए 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की है और 15K व्यूज भी आ चुका है, 11 दिन पहले वीडियो अपलोड है 31K व्यूज है, 2 वीक पहले अपलोड है 15K व्यूज है, 50K व्यूज है सॉरी, ठीक है। उसके नीचे देखिए 3 वीक पहले वीडियो अपलोड किए 79K व्यूज है, ठीक है, व्यूज तो आपने देख लिया। पॉपुलर कंटेंट पाऊँ तो भाई देखिए आप चौंक जाएंगे, वाह इतने व्यूज भी क्या आ सकते हैं। तो देखिए भाई 4.5 करोड़, 84 लाख व्यूज, 83 लाख व्यूज, 78 लाख व्यूज। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई बच्चों के कंटेंट पर व्यूज की तो भरमार होती है, और जब व्यूज आएगा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, अर्निंग बढ़ेगी, मोनेटाइज चैनल होएगा, आप वहां से पैसे भी कमाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो अब मैं आपको यहां पर देखिए इनकी पॉपुलर वीडियो में एक वीडियो चली है, ओपन करता हूँ फिर अब दिखाता हूँ आपको। गिरा रहा है, अरे रुक रुक रुक, ये देखो, लीजिए मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग, ओए ड्रैगन, और इसके साथ रिमोट, ओके चला कर देते, ये देखो, अरे ओए ओए। देखा आपने कितना इजी तरीके से इन्होंने यहाँ पर वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर ली, कैसे की है अब देखिए मैं आपको वो तो बताऊंगा अभी थोड़ा आगे चल के, लेकिन पहले अब इनकी अर्निंग और दिखा दूँ एक बार, ताकि आपके अंदर और ज़्यादा आग लग जाए
इस कंटेंट पर काम करने के लिए हो कि भाई मेरे को इतना समय हो गया दूसरे कंटेंट पर काम करते करते मेरे को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, छोड़ो यार उसको, नया चैनल क्रिएट करो और ये वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आते हैं अर्निंग पर। देखिए अर्निंग पर, देखिए सोशल मीडिया पर मैंने इनका चैनल ओपन करके रखा और अब यहाँ पर आप अर्निंग देखेंगे ना तो भाई चौंक जाएंगे। देखिए ये देखिए चैनल इन्हीं का ओपन हुआ है, राहुल कैरेक्टर, जूम करता हूँ, देखिए 5.1 के डॉलर से लेकर 82.4 के डॉलर मिनिमम अमाउंट अगर मैं इनका स्टार्टिंग का भी ले लूँ ना तो 5000 हिल जाएंगे। आप कितना कमाते हैं? कम से कम 4 से 5 लाख रुपये अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें, आप करके देख लेना खुद कैलकुलेट करके। ठीक है, चलिए वापस आते हैं इनके चैनल। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ आप इस तरह की वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे। आपके घर में छोटे बड़े बच्चे भी होंगे और नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह के टॉयज हर घर में होते हैं थोड़े थोड़े थोड़े। आप इसमें अगर चाहें तो जैसे कि आपने थंबनेल पर हमारे टाइटल में देखा 5 से 10 रुपये लगाकर भी आप इसमें अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर आपके पास टॉयज हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जानती हैं कि इस तरह के टॉयज कितने रुपए में आ जाते हैं, आप आसानी से इनको बाय कर सकते हैं। और इनको कैसे आपको वीडियो क्रिएट करनी है, चलिए डिटेल्स आपको मैं एक बार समझा देता हूं ताकि आप फेस को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जो छोटे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं कोई भी हो किसी भी प्रकार के हो उनको आपको एक लाइन में सजा लेना। ठीक है, सजाने के बाद आपको उनके बारे में बताना है, वीडियो इस तरीके से शूट करनी है और आपको उनके बारे में बताना है कि भाई ये देखिए ये रिमोट कंट्रोल कार है, ये प्लेन है, मतलब समझ गए ना आप, उनको एक्सप्लेन करना और इस तरीके से आपको शूट भी कर लेना। और फिर क्या करना, आपको अपने एडिटर में आना है जिससे भी आप एडिट करते हैं, जैसे मैं काइन मास्टर से एडिट करता हूँ तो काइन मास्टर में आपको आना है और काइन मास्टर में आने के बाद में आपको सबसे पहले उसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेना है और उसके बैकग्राउंड में एक कॉपीराइट फ्री एक म्यूजिक ऐड कीजिए जिसका वॉल्यूम बहुत धीमा हो, 15 या 20% कीजिए। उसके बाद आप उसमें थोड़ी थोड़ी अपनी वॉइस दे सकते हैं, जैसे आप एक्सप्लेन करेंगे हर एक टॉयज़ के बारे में तो आप उसके बारे में वहाँ पर बता सकते हैं और फिर इस तरीके से आपकी वीडियो बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएगी। समझ गए आप पूरा प्रोसेस? उसके बाद आप अपने चैनल पर इनको अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अब तक भी आपको मेरी बात कहीं मतलब समझ में नहीं आई, कहीं आपको डाउट है तो आपको जो मैंने चैनल यहाँ पर सजेशन में बताया है जिसका लाइव एग्जांपल दिया है आप इनके चैनल पर जाइए, इनकी एक वीडियो दो वीडियो भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको सारा प्रोसेस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप वहाँ पर देखेंगे भाई इस तरह की वीडियोस पर इनका कितना अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, तो आप और भी मोटिवेट आएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको कैसे इसमें बोलना हो और कैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है ना, सिंपल। उसके बाद आप फिर बेधड़क अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोस अपलोड कीजिए और वहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट कीजिए। और भाई आपको बताऊँ इस तरह की कंटेंट पर जो कैटेगरी होती है वो आप इंटरटेनमेंट रख सकते हैं, एजुकेशन रख सकते हैं। ठीक, और जब आप वीडियो अपलोड करें तो आप इसको यस मेड फॉर किड्स पर सिलेक्ट करें क्योंकि ये बच्चों का कॉन्टेंट है। ठीक है ना, तो बस आई होप आपको यहाँ तक मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप मोटिवेट भी हुए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे फिर से ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।